स्टूडेंट्स वेलकम टू अन अकेडमी फाउंडेशन नाइन्थ एंड टेंथ आई एम शिवानी शर्मा योर मैथ्स एजुकेटर बच्चों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो टॉपर्स अप्लाई करते हैं और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जल्दी से जानते हैं और देखते हैं कि हाउ टॉपर्स स्टडी और हम क्या गलती कर रहे हैं ओके okay? तो सबसे पहले बच्चों भाई जैसे ही कोई सेशन स्टार्ट होता है ना दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन उसी टाइम से इससे पता है क्या होता है एंड मोमेंट पे वो नहीं पढ़ना चालू करते दे लाइक स्टार्टिंग से पढ़ो एंड स्टार्टिंग से पढ़ने में बहुत फायदा है क्यों क्योंकि यार आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है हर दिन और आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो लास्ट मोमेंट की पढ़ाई आपके आस पास जो भी टॉपर्स है ना दे स्टार्ट देर प्रिपरेशन फ्रॉम दिग्निंग स्टडी एंड रिविजन दे सी दीडियो गाइडेंस लिया प्रिपरेशन अपनी करी उसके बाद नोट्स बनाया और फिर बार बार रिविजन करते हैं सेल्फ स्टडी का एक हिस्सा आपके टाइम टेबल में जरूर होना चाहिए इफ यू सी ऑल द टॉपर्स अराउंड आप हमेशा देखेंगे कि यार पढ़ने के बाद आफ्टर टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस दे डू सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालते हैं क्योंकि उस समय पे ना चीजें हमको समझ में आती है अच्छा आज के लेक्चर में ये पढ़ाया गया था ओके okay, तो इसका ये एप्लीकेशन है जब भी उन्हें कोई होमवर्क मिलता है ना दे ऑलवेज डू देर होमवर्क क्योंकि उस समय पे आपने जो पढ़ा है उसको वो अप्लाई कर रहे होते हैं क्वेश्चंस में एंड देन दे बिकम सो कॉन्फिडेंट कि भाई अब इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ भी आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा इसीलिए You will always see कि भाई सेल्फ का टाइम हमेशा एक टॉपर बच्चा जरूर देता है एंड मल्टीपल रिविजन ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है आज पढ़ा और पेपर देने जा रहे हैं नो no. भैया पढ़ तो पहले से ही चुके हैं अब तो रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद एग्जाम देने जा रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस और फिर पेपर जाना ही है बहुत अच्छा देन दे है वेरी गुड टाइम टेबल इफ़ यू सी ऑल द टॉपर स्टूडेंट वो हमेशा एक टाइम टेबल को जरूर स्टिक करते हैं एक पूरा स्केड्यूल होता है इससे ना बहुत एडवांटेजेस है बिकॉज वो अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं जब हमारे पास टाइम टेबल है हमें पता है कि यार मुझे ये ये काम करना है आज के दिन में इस चैप्टर को पढ़ना है इसमें मैं इतना टाइम देने वाला हूँ ये टाइम मेरा पढ़ने का होगा ये टाइम मेरा खेलने का होगा एवरीथिंग इज फिक्स राइट एक प्रॉपर टाइम टेबल जब वो फॉलो करते हैं तो चीज़ों को भूलते नहीं हैं चीज स्किप नहीं होती है दे ऑलवेज हैव अ टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही सही तरीके से करते हैं तो बच्चों अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो देन स्टार्ट मेकिंग द टाइम टेबल ताकि हम अपने डे का बेस्ट यूज कर सके देन नेक्स्ट गिविंग टेस्ट बिफोर एग्जाम्स बेटा आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आपने जस्ट प्रिपेयर किया है और आप एग्जाम देने चले गए तो चांसेस है कि हो सकता है कि आपका पेपर इतना ज्यादा अच्छा ना जाए क्योंकि अचानक से जब कोई नया क्वेश्चन सामने आता है ना तो थोड़ा डर लग जाता है यार कैसे इसको टारगेट करना है क्या करें बट इफ यू सी अ टॉपर स्टूडेंट वो हमेशा हमेशा एग्जाम से पहले टेस्ट जरूर लिखता है तो बच्चों अगर आप सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाई करके एग्जाम देने जा रहे हो तो एक स्टेप पीछे आके आपने जो पढ़ा है ना उसका टेस्ट जरूर दो लेकिन मैम टेस्ट कैसे दे तो बच्चों यार तुमको ना इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना अनअकेडमी सी मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है आप इस टेस्ट में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो भी सिलेबस है सिलेबस बेस्ड आपको आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा देगा तो हम लोग जो अगर कोई स्टेप मिस कर रहे हैं ना मतलब पढ़ाई किया डायरेक्ट एग्जाम तो एक जो स्टेप मिस हो रही थी आप उस स्टेप को अब फुलफिल कर सकते हो राइट सो व्हाट यू हैव टू डू इज पढ़ लो आप भी एंड देन जस्ट गिव द टेस्ट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस बाय गिविंग द टेस्ट कि हाँ ऐसा ऐसा होता है अब जब एग्जाम देने जाऊंगा तो अगर इस टेस्ट में मैंने कोई गलती की है तो वहां वो गलती नहीं होगी और इसके साथ कैसे प्रेशर को हैंडल करना है ये सारी चीजें आपको टेस्ट सिखाती है लेकिन मैम टेस्ट में एनरोल कैसे करना है तो टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहां जाके इस टेस्ट में एनरोल करके इस पर्टिकुलर डेट पे टेस्ट बच्चों जरूर देना इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इसके साथ टॉपर स्टूडेंट्स के पास हमेशा उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ठीक है वो दूसरों के नोट्स लेने की जगह दे दे ट्राई कि यार मैं अपना खुद का नोट्स बनाऊं जब मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं पढ़ लिया है सेल्फ स्टडी कर लिया है अब उस चैप्टर पे बेस ना दे ट्राई टू मेक देयर नोट्स सब्जेक्ट, सो बच्चों अगर आपके पास नोट्स नहीं है देन यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट क्योंकि नोट्स से ना बहुत फायदा होता है एग्जाम के टाइम पे ना इट बिकम सो सिंपल टू रिवाइज द थिंग्स अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और फिर बस आप रिविजन करने बैठ रहे हो लेकिन बुक्स से ही पढ़ा था अब समझ नहीं आ रहा यार इसका सोल्यूशन क्या है अटक गए लेकिन अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट्स को एक बार पलटा के देख सकते हो कि यार इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है आप अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिख सकते हो एंड दैट थिंग हेल्प्स यू अ लॉट और ये सेम चीजें टॉपर्स करते हैं अपने एग्जाम्स में नेक्स्ट फोकसिंग ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स It's not like that, कि यार मुझे ना बहुत पसंद है तो यार मैं ना अपने दिन में मैट्स, 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 मैट्स ही अगर ऐसे करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज तो पूरा बेस्ड करता है ना सभी सब्जेक्ट्स पे तो यू नीड टू फोकस ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स बच्चों क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करता है तब भी